अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आप आ चुके हैं मेरे साथ गज़ा द डाइट क्लिनिक में। मैं हूं आपका अपना होस्ट डाइटिशियन इमरान नवाज़ भट्टी। आज की वीडियो का आगाज़ बहुत ही प्यारी दुआ के साथ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं तो आप, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, तो आज हमने देखना है कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, ये क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है। और आज आपको मेरे साथ जो है ना, वो ओबेसिटी को, मोटापे को पढ़ने के लिए मेरे साथ ड्राइव पे जाना होगा। तो हम साथ साथ जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि ओबेसिटी क्या है। एक्चुअली जिस्म पर जो गैर ज़रूरी चर्बी है ना, फैट्स जो हैं, ठीक है, या जो बिला वजह का, बेवजह का जो वज़न का बढ़ना है, ये ओबेसिटी कहलाता है, ये मोटापा कहलाता है। और इसका एक सबसे आसान तरीका जो है ना, जो इसकी न्यूट्रिशनल इंटरप्रिटेशन है ना, वो आप बीएमआई के साथ कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के साथ जो है ना वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी ईजीली। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, रीजंस बिहाइंड द ओबेसिटी क्या है, कि आपको जो है ना भूख का ज़्यादा लगना, ये एक इसकी रीज़न है। उसके बाद जो है ना, अगर आप वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो उसकी रीज़न हो सकती है। आप स्वीट्स जो है ना, मीठी चीज़ें खाने में ज़्यादा लेते हैं, सोडा का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है अगर चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में, या स्टार्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या आप फैट्स का जो है ना वो तली हुई चीज़ों का, ऑयली चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी फूड में, तो आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं, मोटापे की तरफ जा सकते हैं। मोटापे के नुकसानात क्या हैं बड़ों में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो उसमें डेफिनेटली है कि सबसे बड़ी जो डिज़ास्टर है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। तो शुगर का इम्कान ज़्यादा है, उसके बाद जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, डेफिनेट है। जो फीमेल्स हैं उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ना, वो उसके इश्यूज़ आ सकते हैं। आप जो है ना वो लेटर ऑन, इसकी जो सबसे डेंजरस सिचुएशन है वो ये है कि मतलब मदर जो है ना वो माँ नहीं बन सकती। तो जोड़ों में दर्द रहना, अर्थराइटिस वगैरह, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंसिव लोग होते हैं वो भी जो है ना वो ज़्यादातर ओबीज जो है ना वो उनका भी वो हाइपरटेंसिव होते हैं। उसके बाद बच्चों में इसके क्या नुकसान आते हैं, डेफिनेटली है, ग्रोथ नहीं होती, जिसमें जो आपका कद है वो प्रॉब्लम हो जाता है, छोटे कद के बच्चे रह जाते हैं, बच्चे बेचैन रहते हैं, उनको नींद नहीं ठीक आती, जो उनकी मेंटल ग्रोथ है, फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, वो जो है ना वो इससे मतलब इस ओबेसिटी से उसको इशू हो जाता है, सुस्ती रहती है। तो आप मैं आपको अभी बताता हूँ कि बीएमआई जो है ना वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बिना किसी डाइटिशियन के पास गए हुए आप अपने खुद जो है ना वो अपने केयर टेकर आप खुद कैसे रह सकते हैं। तो जैसे बीएमआई आप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ओबेसिटी क्लास किस में आप हैं। तो आप उसको जो मतलब आज की वीडियो का जो फ़ायदा होने वाला है वो आपको ये है कि आप ओबेस, अगर आप ओबीज हैं तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो आप पोर्शन साइज़ को लिमिट करके या कंट्रोल करके, और दूसरा आप जो अपने जो डाइटिंग हैबिट्स हैं उसमें मॉडरेशन ला के आप अपने खाने के साइज़ को कम कर सकते हैं उसमें, मतलब आप, और उसके बाद जो खाने में तमाम किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, इनकी रोटेशन ला के आप थोड़ी थोड़ी फूड जो है ना वो हर एटम से जो है ना वो आपने लेनी है, दालें, फल, सब्ज़ी, इसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपनी डाइट में डेली शामिल करें। उसके बाद जो है ना तली हुई चीज़ों से डेली परहेज़ करें, और जो बिल्कुल जिनमें ज़्यादा स्टार्च है उन फूड से आपको इजतनाब करना चाहिए, और जो है ना डेली 30 to 40 minutes जो है ना वो अपनी वॉक का शेड्यूल जो है ना वो लाजमी करें, एक्सरसाइज लाजमी करें, तो आप इस ओबीस से, ओबेसिटी से
बच सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे जो है ना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद BMI एक जो है ना वो मेयरमेंट टूल भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी आप जो है ना इसको मेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो ये एंड्रॉयड BMI कैलकुलेटर आप इसमें इंस्टॉल करें, ठीक है। उसके बाद ये देखें, हाइट में आपको डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, इसी तरह वेट में डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आप सेंटीमीटर जो आपको इजी लगता है आप वो लेके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स में आप अपनी हाइट लिखें, किलोग्राम में आप अपना वेट जो आपका है वो उस कैलकुलेट कर लें। तो ये देखें ओबेसिटी क्लास 1, ये इजीली BMI कैलकुलेट हो गया। आपको पता लग गया कि आप ओबेसिटी की किस क्लास में, सेम इसी तरह आप ये चेंज करते जाएं तो ये ओबेसिटी क्लास 1 है, 33 भी आ जाए तो इसी तरह ये और एक डाल देते हैं तो ये 28 BMI भी जो प्री ओबेसिटी आता है, इसी तरह ये भी प्री ओबेसिटी में 26 भी आ गया। और इसी तरह ये अब 55 किलो करें तो ये देखें वो उन्होंने आपको हेल्दी वेट शो कर दिया, जैसे लेस देन 25 आया। थैंक यू। तो आपने पहले देखा, अगर हम आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ अपना BMI कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज़ ये एक डिवाइस है हमारे पास, तो ये जो है ना इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्केलिंग हुई हुई है। ये ब्लैक स्केल जो है वो वेट शो कर रहा है इन kg, और ये जो ग्रे स्केल है ये आपके पास हाइट इन मीटर 1.4, 1.5, 1.6 टिल 2.1 मीटर, मतलब ये आप मीटर में आपकी हाइट है और kg में आप जो है ना वो वेट है आपका। तो ये जो है ना आप इसके साथ ऊपर स्केलिंग भी है कि अंडर वेट जो है अगर लेस देन 20 आएगा आपका BMI, तो जैसे ये देखें अभी मैंने स्केल को वैसे आपको समझाने के लिए घुमाया है, तो ये जो है ना वो लेस देन 20 है, तो इसका मतलब है ये अंडर वेट है, और अगर ग्रेटर देन 20 और लेस देन 25 है तो वो हेल्दी में आएगा, ग्रेटर देन 25 टू 30 है तो वो जो ओवर वेट में आएगा, और उसी तरह ओबीज क्लास में है। तो आप अपने वेट को अरेंज कर सकते हैं इससे, और इस तरह BMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं।